हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग हेल्थ। पिछले एक दो वीडियो में हमने दांत खुजली, फंगल इन्फेक्शन के टाइप्स होने के कारण और ट्रीटमेंट के बारे में जाना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे ये वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी गई है, वहाँ जाके देखें। आपने कई लोगों से सुना होगा कि उन्होंने दांत फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बहुत सारे डॉक्टर्स बदले, लेकिन फिर भी उनका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है या तो ठीक होने के बाद बार बार वापस हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ क्रीम्स और दवाइयाँ खाने से आपकी दर्द ठीक नहीं होगी, इसके साथ में आपको कई सावधानियाँ रखनी होगी और कई परहेज रखने होंगे, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, दांत खुजली फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के साथ में आपको क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या परहेज रखना है, जिससे आपकी दांत जड़ से ख़त्म हो जाए और बार बार ना हो। तो पहला पॉइंट है, दवाइयों का कोर्स आपको पूरा लेना है। आपको जब भी डॉक्टर्स दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका आपको कोर्स पूरा करना है। कई लोग क्या करते हैं कि थोड़े दिन दवाई लेते हैं, जो दांत का निशान है वो चला जाता है तो फिर वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उससे थोड़े दिन के लिए उसको आराम तो मिल जाता है, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो फिर से दर्द वापस हो जाता है। तो हमेशा आपको डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ कोर्स पूरा लेना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको स्टेरॉइड कंटेंट वाली क्रीम्स यूज़ नहीं करनी है, जिसमें क्लोबेटाजोल, बीटामिथाजोन, बेक्लोमिथाजोन कंटेंट आते हो या तो फिर 4-5 कंटेंट मिक्स आते हो। आजकल देखा गया है कि लोग अपने आप ही मेडिकल स्टोर में जाकर ये स्टेरॉइड वाली क्रीम्स दर्द में लगाने लगे हैं। स्टेरॉइड वाली क्रीम्स लगाने से आपकी त्वचा पतली हो सकती है, वहाँ पर स्ट्रेच मार्क भी बन सकते हैं, या तो वह जहाँ पर आप लगाते हो वहाँ की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से दांत का लालपन और निशान बहुत जल्दी चला जाता है, 2 दिन या फिर 4-5 दिन में, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर से वापस आ जाता है। और इस बार ये आकार में भी बड़ा होता है और ये बहुत जल्दी ही स्प्रेड करने लगता है। तो इसीलिए आपको फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उसकी दांत ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और ये जल्दी ठीक करने के लिए आपको शुगर लेवल कंट्रोल रखना ही होगा। आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है, डायबिटीज़ की दवाई हमेशा टाइम पर लेनी है, जिससे आपका दांत जल्दी ठीक हो जाए। चौथा पॉइंट है, आपको अपने नाखून बड़े नहीं रखने हैं, क्योंकि आप जब भी दांत वाले बग को खुजाते हो तो वहाँ के कीटाणु आपके नाखून में चिपक जाते हैं, और जब भी आप अपने शरीर के दूसरे हिस्सों को छूते हो तो वहाँ पर वो फिर से इन्फेक्शन लगा सकते हैं और इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए आपको आपके नाखून बड़े नहीं रखनी है। पांचवा पॉइंट है, अगर घर में एक से अधिक व्यक्ति को दांत है तो सबका ट्रीटमेंट एक साथ करवाना है। अगर आप एक का ट्रीटमेंट करवाओगे और दूसरे का नहीं तो एक को ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे का जो दांत का इन्फेक्शन है वो पहले वाला को फिर से लग सकता है, इसीलिए आपको सबकी ट्रीटमेंट एक साथ करवानी है। छठा पॉइंट है, आपको अपनी सारी चीज़ें अलग रखनी है और कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी है, जैसे कि कपड़े, बेडशीट, टॉवेल, रुमाल, साबुन, ये सब आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। और अपने कपड़े हमेशा घर में अलग धुलवाना है और धुलवाने के बाद धूप में सुखाने हैं, और हर रोज़ आपको इस्त्री वाले ही कपड़े पहनने हैं। सातवां पॉइंट है, नहाने वक्त आप जो साबुन यूज़ करते हो वो दांत वाले भाग के ऊपर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन होगा वो आप दूसरे भागों में भी यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी वो स्प्रेड हो सकता है। और जो आप टॉवल यूज़ करते हो अपने शरीर को पोंछने के लिए, वो भी आपको दांत वाले भाग के ऊपर नहीं यूज़ करना है। दांत वाले भाग को पोंछने के लिए आपको अलग से एक नैपकिन रखना है, जिसे पोंछने के बाद आपको गर्म पानी में डाल देना है और अलग से हर रोज़ धुलवा के उसको धूप में सुखाना है। आठवां पॉइंट है, आपको ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, और अगर आपको ग्रोइन रीजन में दांत है तो आपको अंडरवेयर नहीं पहनने या तो बहुत ढीले अंडरवेयर पहनने हैं, क्योंकि टाइट कपड़े पहनने से पसीना ज़्यादा होगा और ज़्यादा पसीना होने से आपकी दांत ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। नौवां पॉइंट है कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना होगा और अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना होगा, और एक बार आपकी दांत ठीक हो जाए तो उसके बाद आपके सारे कपड़े जो है वो फेंक देने हैं और दूसरे नए कपड़े खरीदने हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा लेकिन
आपको जो बार बार दाद होती है वो होने का खतरा टल जाएगा और आपको बार बार दाद नहीं होगी। 10वां पॉइंट है डाइट के बारे में, दाद खुजली फंगल इन्फेक्शन में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये बता दूँ आपको कि दाद खुजली फंगल इन्फेक्शन में ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। आप कोई भी चीज़ हेल्दी फूड आप कोई भी खा सकते हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ से एलर्जिक है तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि किसी को खट्टी चीज़ें खाने से खुजली होती है, एलर्जी होती है, किसी को प्याज, किसी को दूध लेने से एलर्जी होती है। तो जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है तो वो आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज़ आप कुछ भी खा सकते हो। ये सब परहेज आप ट्रीटमेंट के साथ करेंगे तो आपकी दाद 100% ठीक हो जाएगी और बार बार ये वापस आपको नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।